रेखा बाद आप सभी का स्वागत है। और वहीं कैथल में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब उग्र रूप लेती नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने आज सुबह 4 बजे वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों से रणनीति के तहत कूड़ा उठवाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को भनक लगी तो बाहर से बुलाए वैकल्पिक कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और कूड़े उठाने के लिए लगाई गई गाड़ियों और जेसीबी की हवा निकालकर अपने हाथों से कूड़ा सड़कों पर बिखेर दिया गया। और सुरक्षा के दावे करने वाली हरियाणा पुलिस हर बार की तरह मौके पर देरी से पहुंची और मारपीट करने वाले कर्मियों की को हिरासत में लिया गया। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हड़ताल नहीं, ये पूरी तरीके से क्या हिंसा हो चुकी है, क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। और जो सफाई कर्मी सड़कों पर काम करने के लिए निजी रूप से जो ठेकेदार सरकार के द्वारा अलॉट किए गए हैं, वो जब सड़कों पर आते हैं तो उनके साथ भी सफाई कर्मचारी मारपीट कर रहे हैं। और इससे पहले भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाई थी, लेकिन वैकल्पिक कर्मी की पिटाई की गई है ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कूड़ा फेंक दिया जाता है, गाड़ियों की हवा निकाल दी जाती है जो कूड़ा उठाने के लिए आती हैं इलाकों के अंदर, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ऐसे सफाई कर्मियों को हिरासत में भी ले लिया है। इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इस बताई इन्होंने मजाक हमारे साथ गरीब आदमियों के साथ किया है ना, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन नगर में से कूड़ा उठाता हुआ मिलेगा, हम उसका जीत और मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, पुलिस फोर्स हमारी बिल्कुल साथ थी, वो एकदम सडन दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए थे, वहाँ पे भी हमारी सीआईए की टीम अलग से थी। किसी प्रकार की पुलिस की कोई नेग्लिजेंसी या पुलिस की लापरवाही नहीं है, पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो एकदम गली में से कहीं से निकल के 20-30 आदमी इकट्ठे हो गए आगे, जिन्होंने सडन उन पे हमला किया। जिनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे।